अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुमा आमीन। तो अब आज मैं बना रही हूँ मूंग की मसूर की भुनी हुई दाल। थोड़ा सी मूंग डाल ली और मसूर ज़्यादा क्वांटिटी में लिए। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ आते हैं। बहुत मज़े की बनाती हूँ, मेथी में बनाती हूँ, भुनी हुई बनाती हूँ, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लूँगी ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। और थोड़ी सी भुनाई होगी अदरक लहसुन के पेस्ट में, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून लूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें भूनूँगी। भुनने के बाद इसमें मसाला जात शामिल करूंगी। मसाला जात में मैं डालूंगी नमक, मिर्ची और हल्दी। बिल्कुल सिंपल मेथड से बनाऊंगी, झटपट बनाऊंगी, बहुत मज़े की बनती है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो सब्जी थोड़ी भुनाई करने के बाद इसमें जाएगा नमक, मिर्ची और हल्दी और 3 से 4 अदद हरी मिर्ची। बिल्कुल सिंपल, हर एक अपना मेथड होता है, तो मेरे मेथड से बनाइएगा। थोड़ा सा पानी डालूंगी, और आप दही भी डाल सकते हैं। दही से ऐड जाती है, सख्त हो जाती है दाल, इसीलिए मैं टमाटर डालूंगी। तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए, टमाटर शामिल करूंगी। इसमें पकाएंगे मसाले में टमाटर को। और कसूरी मेथी डालूंगी, इसे मैंने थोड़ी देर भिगो दी थी, भिगोने से थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मेथी शामिल की। मेथी भी टमाटर इन मसाले के साथ भुनाई करेंगे, सबसे जल्दी से रेडी हो जाती है। झटपट बहुत मज़े की बनती है, और चिकन और मटन का गोश्त खा खा के भी इंसान का दिल हो जाता है, दिल चाहता है कि दालें हो, सब्जियाँ हो तो खानी चाहिए। प्रोटीन पाई जाती है दालों में कसरत से, तो खाया करें आप भी दालें सब्जियाँ। गोश्त खाने की भी एक लिमिट रखनी है, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फोकस तो दालों पे और सब्जियों पे करना चाहिए, बस। इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। और तकरीबन 1/2 किलो होगी मूंग मसूर की दाल। मूंग की मैंने थोड़ी सी डाली है, बिल्कुल बस। ये मसाला भून चुका है, अभी इसमें शामिल कर दूंगी, फिर इसे दम दे दूंगी थोड़ा गरम मसाला डाल के, और बस ये रेडी हो जाएगी, झटपट से रेडी होती है और बहुत मज़े की बनती है। इसको कहते हैं मसूर की भुनी हुई दाल। अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए बंद कर दूंगी, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसे देखेंगे। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं इसे देखती हूँ। ये देखिए जी, इसका पानी ड्राई हो चुका है, बस अब इसे दम देती हूँ। खुदा बख्शे मेरी वालदा बनाती थी ऐसे मसूर की दाल भुनी हुई मेथी में, बस इसे दम देती हूँ और तकरीबन इसे 5 मिनट दम दूँगी, फिर उसके बाद हम देखते हैं। चलिए जी, तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब खोलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मेथी की मसूर की दाल में, तो बस अभी इसे डिश आउट करते हैं। कुछ रेसिपी तो मैंने अपनी हैं वालदा से सीखी हैं खाने वगैरह बनाना, और कुछ माशाल्लाह मैं खुद से अपने माइंड से क्रिएट करती हूँ माशाल्लाह।
बहुत ही मज़े के बनते हैं और लोगों से हर एक का अपना मेथड होता है, तो मेरा अपना मेथड है, तो एक अलग से होती है मेरी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे से डिश आउट करते हैं और इसके ऊपर मैं हरा धनिया स्प्रिंकल करूंगी और पिसा हुआ गरम मसाला। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लीजिए, इसमें शामिल करती हूँ हरा धनिया। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। इसके सेंटर में और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। अब अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले लीजिए, जो लोग ज़्यादा लेते हैं ज़्यादा, जो लोग कम लेते हैं कम। और ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।